ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन हद से ज्यादा। क्या हो गए इमरान हाशमी अपने प्लान में कामयाब? कौन कौन से हथियार देखने को मिलेंगे हमें सलमान और इमरान की फाइट में? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, इसलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टाइगर 3 के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, सलमान खान और इमरान हाशमी लाल किले के पास अपना सबसे इंपॉर्टेंट सीन शूट करने वाले हैं। लाल किले के पास आपको फुल ऑन स्टंट करते हुए नजर आएंगे सलमान खान और इमरान हाशमी, जिसके लिए सलमान और इमरान हाशमी ने अपनी कमर कस ली है। खबरों की माने तो सलमान और इमरान हाशमी यहां पर एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला चुनौती देंगे। लाल किले के पास इस सीक्वेंस में सलमान और इमरान हाशमी के फैंस को काफी कुछ खास और स्पेशल देखने को मिलेगा, जो इससे पहले आपने कभी भी बॉलीवुड की मूवी में नहीं देखा होगा। दोनों ही स्टार्स यहां पर हॉलीवुड लेवल का स्टंट करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ इनके इस फाइट सीन में दोनों रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में ISI एजेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जहां से जोया अक्का कैटरीना बिलोंग करती हैं, और पाकिस्तानी ISI सिर्फ तबाही चाहती है, और उस मकसद को इस बार इमरान हाशमी पूरा करेंगे। ये लड़ाई काफी लंबी होगी और भागम भाग का खेल भी लगा रहेगा हमेशा की ही तरह, और एक छोटा सा वर्ल्ड टूर भी दिखाया जाएगा, पर सारी बात घूम फिर कर दिल्ली के लाल किले के पास आ जाएगी, जहां होगा फुल एंड फाइनल फैसला। फिल्म की कहानी इस बार कैसी होने वाली है इसको लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूं कि इस बार हो सकता है कि टाइगर पाकिस्तान और चाइना दोनों से अकेला लड़ता हुआ दिखाया जाए, क्योंकि हम सब भारत को चाइना पर जीतते हुए देखना चाहते हैं। ये चीज कभी ना कभी हकीकत में भी होगी, पर अगर इसे बड़े पर्दे पर उतारा जाता है तो इससे मेकर्स को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। सो अब आप बताइए कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं टाइगर 3 को लेकर? आप लोगों को क्या लगता है, क्या इमरान हाशमी और सलमान खान के बीच का फाइट सीक्वेंस अब तक का बॉलीवुड का बेस्ट फाइट सीक्वेंस हो सकता है या नहीं? इसका आंसर आप सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।